खबरनामा के प्रायोजक हैं आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल गणेशपुर लहरपुर सीतापुर, सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर गणेशपुर लहरपुर सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। बाइक लेकर लखनऊ की सड़कों पर निकले तुषार कपूर कर गए बड़ी गलती। बोले शिवपाल यादव, आपने कहा था एक हो जाओ, हम एक हो गए। लंबे समय बाद एक मंच पर आए अखिलेश और शिवपाल चाचा के छुए पैर। सीएम ने मॉरिशस के राष्ट्रपति और विश्व के मुख्य न्यायाधीशों से की चर्चा। मैनपुरी में जातिगत घेरेबंदी की तैयारी, भाजपा ने किया प्लान, लगाए 4 मंत्री। एसआर ग्लोबल के वार्षिक उत्सव में बच्चों ने बिखेरा जलवा। सकरन के गालीबाज प्रधानाध्यापक को बीएसए ने किया निलंबित। जय गुरुदेव के अनुयायियों ने श्रमदान कर बनाई सड़क। फिल्म अभिनेता तुषार कपूर एक फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में लखनऊ पहुंचे और बाइक चलाई। इस दौरान उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तुषार कपूर ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। वो शनिवार दोपहर को ताज होटल के सामने पहुंचे और बाइक दौड़ाई। जब वह बाइक चलाकर आइनॉक्स मॉल पहुंचे तो उनके फैंस की भीड़ जुट गई। हालांकि इस दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिसे लेकर वहां मौजूद लोगों का कहना था कि तुषार हेलमेट लगाते तो बेहतर संदेश जाता। शायद आयोजकों ने उन्हें सलाह नहीं दी होगी। मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए सपा और प्रसपा के अध्यक्ष एक साथ दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। वहीं दोनों उपचुनावों को लेकर बैठक में शामिल होंगे, जिसमें जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। शिवपाल यादव के इटावा स्थित घर पहुंचकर अखिलेश यादव और डिंपल यादव की मुलाकात नए समीकरण बना रही है। वहीं 2 दिन से शिवपाल पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलकर डिंपल की जीत सुनिश्चित करने में जुट गए हैं। इस क्रम में रविवार को शिवपाल सिंह यादव सेफई क्षेत्र में एक कार्यक्रम में पहुंचे। यहां अपने संबोधन में शिवपाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक साथ मिलकर ही भाजपा को हराया जा सकता है, आज से ही हमें मिलकर काम करना होगा। रविवार सुबह सेफई के एसएस मेमोरियल स्कूल में समाजवादी पार्टी की तरफ से सभा आयोजित हुई। अखिलेश ने मंच पर शिवपाल सिंह यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। उन्होंने कहा कि आज चाचा से राजनीति दूरियां भी दूर हो गई। चाचा भतीजे में कभी दूरियां नहीं थी, सिर्फ राजनीतिक दूरियां थी, वह भी दूर हो गई। यह बात रविवार को एसएस मेमोरियल इंटर कॉलेज में हुए सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही। उन्होंने कहा कि अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी, अगर जसवंत नगर ने मन बना लिया और करहल साथ चल दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन व प्रथम महिला संयुक्त रूपन और कई देशों के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों व न्यायाधीशों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। यह सभी मुख्य न्यायाधीशों के 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए लखनऊ आए हुए हैं। सीएम ने इस दौरान अतिथियों से विचार विमर्श किया और ODOP उत्पाद भी भेंट किए। लोकसभा उपचुनाव में प्रदेश की मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। सपा स्थानीय लोगों से मुलायम सिंह यादव को वोट के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि देने की अपील कर रही है, तो भाजपा ने जातिगत आधार पर 4 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। ये मंत्री कानपुर क्षेत्र से जुड़े हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को और भाजपा ने सपा के पूर्व सांसद और शिवपाल यादव के दाहिने हाथ रहे रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन खंड शिक्षा अधिकारी बेहटा यशवंत सिंह ने सत्र को संबोधित करते हुए उपस्थित समस्त अध्यापकों का उत्साहवर्धन किया। ब्लॉक संसाधन केंद्र बेहटा में SRG करुणेश मिश्रा, ARP असलम, ARP अवेज अहमद खान ने प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण के दौरान धीरेन्द्र विक्रम सिंह, डॉक्टर इंद्र सिंह, सुरेंद्र कुमार राजवंशी, सत्य प्रकाश सिंह, ब्रजेश जायसवाल, शिव प्रताप सिंह, सालवी त्रिवाठी, अंजलि सिंह, धनंजय सिंह, इंद्रेश कुमार वर्मा, अभिषेक मिश्रा, पंकज साक्य, रितेश गुप्ता, आकाश यादव आदि मौजूद रहे। बता दें कि प्रशिक्षण का शुभारंभ 16 नवंबर को हुआ था। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र के मंदिरों, धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कराए जाने के लिए लिखे गए प्रार्थना पत्र का डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने त्वरित संज्ञान लिया है। डिप्टी CM ने इस संबंध में पर्यटन विभाग के निजी सचिव को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। बता दें कि भाजपा नेता धीरेन्द्र अवस्थी ने राम जानकी मंदिर, आश्रम पहला, रामगढ़ आदि प्राचीन मंदिरों के सौंदर्यीकरण व विकास के संबंध में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 11 नवंबर 2022 को प्रार्थना पत्र भेजा था। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामगढ़ में स्थित प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराने की मांग की थी। सचिव को लिखे गए पत्र की जानकारी जब धीरेन्द्र अवस्थी को हुई तो उन्होंने खुशी जाहिर की, कहा कि अब इन प्राचीन मंदिरों का विकास होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कमलापुर ने बरई जलालपुर कस्बे के नरेंद्र पब्लिक इंटर कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई। विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच रंगोली व दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर सहमंत्री आर्यन सिंह ने विद्यार्थियों को इसकी विशेषताएं बताई। अखिल विद्यार्थी परिषद के इकाई का गठन भी किया गया। शिवपूजन तिवारी ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस मौके पर निखिल सिंह, जितेंद्र सिंह आदि विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। अटरिया कस्बा स्थित अवध कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में रविवार को आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि अटरिया थाना के उपनिरीक्षक नयन सिंह व समाज सेवी वायु नायक कश्यप व उत्तम कश्यप ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इंस्टीट्यूट में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राएं नीलम कुमारी, रेखा, वंदना, जीनत, रोहिणी, अनन्य, पूर्ति तिवारी, मुजम्मिल, राहुल सहित अन्य कई विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इंस्टीट्यूट के प्रबंधक मनोज पांडे ने आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया और धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम का समापन किया। इस दौरान अध्यापक आशुतोष पांडे, आराधना सहित अभिभावक मौजूद रहे। विकास खंड सकरण के प्राथमिक विद्यालय टेड़वा में तैनात गालीबाज प्रधानाध्यापक को BSA अजीत कुमार ने निलंबित कर दिया है। प्रधानाध्यापक रईस अहमद पर यह कार्रवाई BEO सकरण द्वारा की गई है। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर की गई कार्रवाई प्रधानाध्यापक रईस अहमद द्वारा प्राथमिक विद्यालय टेड़वा कला में तैनात सहायक अध्यापक दिनेश सोनकर का एक दिन वेतन कार्ड दिए जाने पर, जब प्राथमिक विद्यालय रेवान में तैनात सहायक अध्यापक दिलीप कुमार शुक्ला ने प्रधानाध्यापक रईस अहमद से बात की तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की और उनको धमकी दी, जिसकी लिखित शिकायत प्राथमिक विद्यालय रेवान में तैनात सहायक अध्यापक दिलीप कुमार शुक्ला ने BEO से की थी।
उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग और धमकी देने का आरोप लगाया था। बीईओ सकरण की जांच में प्रधानाध्यापक रईस अहमद को दोषी पाए जाने पर बीएसए अजीत कुमार ने उनको निलंबित कर दिया है। लहरपुर क्षेत्र के ग्राम गेरुहा में गुरुदेव लल्लू राम सावित्री देवी इंटर कॉलेज में रविवार को आयोजित वार्षिक उत्सव में बच्चों ने देशभक्ति, सामाजिक परंपराओं तथा समाज में फैली कुरीतियों आदि विषयों पर छोटे छोटे नाटक प्रस्तुत किए। बच्चों ने सुंदर कविताएं सुनाकर मन मोहा। पूर्व विधायक सुनील वर्मा का माला पहनाकर अतुल गुप्ता ने स्वागत किया। लहरपुर ब्लॉक प्रमुख उमा शंकर वर्मा, विद्यालय के प्रबंधक लल्लू राम जायसवाल, प्रधानाचार्य कमल किशोर जायसवाल, उत्तम वर्मा, सतीश वर्मा, राम खिलावन वर्मा, अनूप गुप्ता आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 21 नवंबर को सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज नेपालापुर सीतापुर में होगा। यह जानकारी DIOS सीतापुर अनूप कुमार तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि 30वीं जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बाल वैज्ञानिकों को अपने आस पास की अथवा स्थानीय समस्याओं को समझते हुए उनके निराकरण हेतु लघु शोध पत्र प्रस्तुत करने हैं। जिला आयोजन समिति के समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए परितंत्र को समझना थीम निर्धारित की गई है। कार्यक्रम के सुगम एवं सफलतापूर्वक आयोजन हेतु उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर अजीत कुमार ने भौतिक विज्ञान प्रवक्ता नरेंद्र सिंह को नोडल प्रभारी नियुक्त किया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राएं दो आयु वर्गों के समूह में प्रतिभाग करेंगे। कनिष्ठ वर्ग में 10 से 14 वर्ष तक के, वरिष्ठ वर्ग में 14 से 17 वर्ष के बाल वैज्ञानिकों को रखा गया है। जनपद से एक वरिष्ठ तथा एक कनिष्ठ वर्ग का सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग करने हेतु भेजा जाएगा। न्यू नेशनल हॉस्पिटल महमूदाबाद में रविवार को सीड्स IVF सेंटर दिल्ली द्वारा एक वृहद स्तरीय निःशुल्क परामर्श एवं दवा वितरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विशेषज्ञों और चिकित्सकों की टीम ने 160 मरीजों का परीक्षण करके उन्हें परामर्श देकर दवाइयां वितरित की। MBBS चिकित्सक और IVF विशेषज्ञ डॉक्टर हिना अली ने मरीजों को जागरूक करते हुए कहा कि आज के समय में निसंतान दंपतियों में IVF के प्रति रुझान बढ़ा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि निसंतानता से परेशान होने की जरूरत नहीं है। परीक्षण MD डॉक्टर इरफान खान, डॉक्टर हिना अली, मंजू वर्मा आदि ने किया। भगत सिंह स्काउट दल स्वतंत्र द्वारा रविवार को यातायात और मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अतुल चित्रांश ने किया। अतुल चित्रांश के निर्देशन में स्काउटर्स द्वारा संकटा देवी मंदिर से रामकुंड चौराहे तक विभिन्न पोस्टर और नारे लगाते हुए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर मुख्य दल संचालक स्काउट मास्टर संजय कुमार, सहायक स्काउट मास्टर दीपक कुमार, मनोज यादव, जयकिशन कन्हैया, ललित कुमार, सचिन कुमार, अनुराग, शिव कुमार, अमन कुमार, सूर्यांश, अंकित, अरविंद आदि शामिल रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। जय गुरुदेव के अनुयायियों ने सीतापुर शहर के कई मोहल्लों में
शाकाहार के प्रति जागरूक किया। कमला नगर खूबपुर विकास नगर कॉलोनी से होते हुए जय गुरुदेव आश्रम विकास नगर कॉलोनी खूबपुर कमला नगर जाने वाली रोड पर जय गुरुदेव के भक्तों ने रोड की मरम्मत का कार्य भी किया। जय गुरुदेव संगत के लोगों के द्वारा सहयोग राशि इकट्ठा करके रोड़ा और मिट्टी डलवाई गई। इसके बाद जय गुरुदेव संगत के भक्तों ने श्रमदान किया। यह मार्ग काफी समय से खराब पड़ा था। इस मौके पर राकेश वर्मा एडवोकेट, सत्येंद्र कुमार सिंह, विनय मिश्रा, विवेक मिश्रा, देबू मिश्रा, मनोज कुमार श्रीवास्तव, अनुराग कुमार वर्मा, गुड़िया वर्मा, रमा देवी वर्मा, शिवानी वर्मा, आनंद सिंह, राजू राठौर, रामचंद्र राठौर, दुर्गेश कुमारी वर्मा, वेदी मिश्रा, श्री रामपाल, कलावती हरिहर, मीना शंभू सहित काफी सत्संगियों ने श्रमदान किया। सीतापुर के थाना कमलापुर कस्बे में प्रभारी निरीक्षक राजकरण शर्मा ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकालकर व्यापारियों व आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाया। पैदल मार्च नहर चौराहा, बड़ा चौराहा, स्टेशन रोड, मास्टर बाग रोड, सरैया रोड, छोटा चौराहा होते हुए वापस थाना परिसर में समाप्त हुआ। इस दौरान वरिष्ठ उप निरीक्षक शिव प्रसाद पांडे, उप निरीक्षक मोहम्मद खालिद, सुरेंद्र बहादुर सिंह, उमाकांत सविता, हेड कांस्टेबल आर के सिंह मौजूद रहे। खैराबाद नगर के स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज मियां सराय में विज्ञान एवं ग्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के विज्ञान मॉडल एवं क्राफ्ट के स्टॉल लगाकर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि प्रदेश शिक्षक भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के संतोष कुमार सिंह ने अब सभी स्टॉलों पर जाकर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि विज्ञान ने आज वह करके दिखाया है जिसकी हम सभी लोग कल्पना कर नहीं सकते थे। छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडलों में डायनासोर का कंकाल रोबोट सबसे ज्यादा सराहा गया। इस अवसर पर इंटर कॉलेज के प्रबंधक, स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज के प्राचार अभिकरण अवस्थी, बीसीएम नर्सिंग कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल सिस्टर नेगी, समाज सेवी जावेद मुस्तफा, टीटू खान, शिक्षक काजिम हुसैन, शिक्षक जुनेद आलम, कस्बा इंचार्ज संजय सिंह, मछरेटा चौकी इंचार्ज अवधेश कुमार यादव, समाज सेवी पत्रकार बलराम कृष्ण पांडे, समाज सेवी मोहम्मद सनी, समाज सेवी सभासद दिलीप जोशी, समाज सेवी आसिफ गाजी सहित शिक्षक व अभिभावक गणों ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडलों की प्रशंसा की। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पीर नगर में कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ। 5 दिवसीय सत्चंडी महायज्ञ का विधिवत हवन, पूजन, प्रवचन, कन्या भोज व भंडारे के साथ समापन हुआ। यज्ञाचार्य शशविंद पांडे व अरविंद पांडे रहे। कथाव्यास मंचासीन महाराज ने कृष्ण और गोपियों के आपस में प्रेम स्नेह की कथा सुनाई। इस मौके पर विष्णु नारायण शुक्ला, शुभम शुक्ला, सौरभ शुक्ला, अवनीश शुक्ला, अंकुश मिश्रा, संजीव रंजन, धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट में 2022 औरंगाबाद और अब्बासपुर मैगलगंज के बीच क्वार्टर फाइनल का मैच खेला गया, जिसमें अब्बास टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की। ओपन करने आए औरंगाबाद की तरफ से शहनवाज मिश्रा शुरुआती 2 गेंद पर 2 छक्के लगाकर शुरुआत की पहले ओवर में 15 रन बना पाए। औरंगाबाद के ओपन खिलाड़ी शहनवाज मिर्जा शानदार पारी खेली, वहीं इस टूर्नामेंट का पहला शतक भी लगाया। औरंगाबाद ने नियमित 14 ओवरों में 207 रन बनाए, जिसके जवाब में अब्बासपुर की टीम मात्र 150 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। औरंगाबाद ने यह मैच 58 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। अभी तक 32 टीमों ने टूर्नामेंट में भाग लिया है। साथ ही टूर्नामेंट अपने फाइनल की तरफ बढ़ते हुए 3 टीमें सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। अगला मैच 22 तारीख को खेला जाएगा। कसमंडा क्षेत्र में सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के अंतर्गत लगे हैदरगढ़ चीनी मिल बाराबंकी के गन्ना क्रय केंद्र मुजफ्फरपुर कमोलिया बी, जसमंडा ए, अलीपुर हरैया ए, अलीपुर हरैया बी, सिधौली ए, बी, सी सभी 8 गन्ना क्रय केंद्र पर वरिष्ठ गन्ना अधिकारी हैदरगढ़ चीनी मिल अमरेंद्र सिंह बघेल व सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के चेयरमैन प्रदीप सिंह चौहान ने फीता काटकर पूजन अर्चन कर शुभारंभ कराया तथा प्रसाद वितरण करवाकर तौल भी प्रारंभ करवा दी। गन्ना अधिकारी अमरेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि किसान पर्ची जारी होने के बाद ही गन्ना कटाई प्रारंभ करें और गन्ना क्रय केंद्र पर साफ सुथरा व ताजा गन्ना ही आपूर्ति करें। इस मौके पर सोहन लाल, लक्ष्मण यादव, कल्लू सिंह, सत्येंद्र सिंह, अंजुल सिंह आदि मौजूद रहे।
कसमंडा में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत क्षेत्रीय लेखपाल कमलापुर पवन राय ने बूथों पर जाकर बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। लेखपाल ने कमलापुर में राजा बहादुर सिंह इंटर कॉलेज बूथ, प्राथमिक विद्यालय कमलापुर बूथ, प्राथमिक विद्यालय गवहैया बूथ, प्राथमिक विद्यालय गौरा बूथ पर हो रहे सत्यापन कार्य का निरीक्षण किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भंडिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलापुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बम्भेरा में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भंडिया में डॉक्टर नीरज लता द्वारा 36 मरीजों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलापुर में डॉक्टर रियासत अली द्वारा 53 मरीजों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बम्भेरा में डॉक्टर आफताब आलम और डॉक्टर मोइना वसी द्वारा 40 मरीजों का चिकित्सीय परीक्षण कर मुफ्त में दवाएं दी गई। मेले में खून जांच, बलगम जांच, मलेरिया जांच, टाइफाइड जांच, ब्लड प्रेशर जांच भी की गई। लहरपुर के मोहल्ला बहटी स्थित श्रीराम जानकी मंदिर में चल रही श्रीराम कथा में संत शिरोमणि श्री 1008 वेदांती राम शंकर दास महाराज अयोध्या धाम ने श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि यद भगवान श्री राम का सोते समय सपने में भी दर्शन हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। संत शिरोमणि ने कथा में महाराजा जनक की प्रतिज्ञा धनुष भंग श्री राम विवाह का मनोहारी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस हमें धर्म पर चलना सिखाती है, इसलिए हमें प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। कथा का रसपान करने के लिए भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। मुशायरे और साहित्यिक गोष्ठियां मानवीय मूल्यों की विरासत हैं। ये महफिलें हमारे समाज में जागरूकता पैदा करती हैं और सामाजिक और सुधारवादी विश्वास मजबूत होता है। यह बात लखनऊ से पधारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सरवत तकी ने फैजान कंप्यूटर संस्थान में बज़मे उर्दू सीतापुर के 53वें वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में दानिश अंसारी भी उपस्थित रहे। मुशायरे की अध्यक्षता जिया रहमानी ने की, जबकि संचालन खुस्तर रहमानी और इलियास चिश्ती ने अदा किया। मुशायरे में डॉक्टर मंसूर हसन खान, रफत सैदा सिद्दीकी, वकार कासिफ, अतीक अरहम, जियार रहमानी, मस्त हफीज रहमानी, मंजर यासीन, सबा बारा बंकवी, रिजवान खान, नदीम सीतापुरी, कौसर सीतापुरी, यूनुस पैतेपुरी, महफूज रहमानी, आरिफ मोहम्मद, इलियास चिश्ती, बसर हरगामी, अफाक बिस्वानी, रहबर प्रतापगढ़ी, यासीन इब्र उमर, डॉक्टर बासित अली इसरत तालगावी आदि ने अपना कलाम प्रस्तुत किया। अध्यक्ष मशहूर शायर और पत्रकार मस्त हफीज रहमानी, रफत सैदा सिद्दीकी, शकील नदीम सीतापुरी, डॉक्टर मशहूद आरिफ सीतापुरी, रिंद रहमानी वसी सीतापुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। एसआर ग्लोबल स्कूल बक्सी तालाब लखनऊ के 7वें वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। उड़ान 2022 कार्यक्रम में 4000 छात्र कलाकारों की भव्य प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। छात्रों ने भजन, रासलीला, राधे राधे, कश्मीरी नृत्य, लावड़ी नृत्य, फ्यूजन नृत्य, सालसा नृत्य, महिला सशक्तिकरण, गंगा अवतरण का रगारग कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो समूचा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम का श्री गणेश एक दंत की स्तुति से की गई। उड़ान कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री, सांसद कौशल किशोर, मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुकुमार गुप्ता, रमेश वाजपेयी, दीपक शुक्ला, रमेश भार्गव व सीतापुर के भाजपा MLC पवन सिंह चौहान के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 21 नवम्बर को आई इंडिया पर देखे SR ग्लोबल स्कूल की विस्तृत खबर। 11वीं वाणी PSC सीतापुर स्थित एसाल्ट मैदान पर आयोजित 47वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक शूटिंग व अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता में PSC मध्य जोन ने 207 अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल कर जल बैजंती पर कब्जा जमाया। PSC पश्चिम जोन द्वितीय स्थान पर जबकि बरेली जोन तीसरे स्थान पर रहा। इससे पूर्व शूटिंग स्पोर्ट्स राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल शूटिंग और रेस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि IPS सेनानायक द्वितीय वाहिनी सीतापुर संजय सिंह ने किया। इस मौके पर उप सेनानायक जोगिंदर लाल, स्वेता कुमारी, RP सिंह, वीरेंद्र कुमार, बलदेव, अनिल कुमार, रामबली यादव, अनिल कुमार सिंह, राकेश कुमार आदि मौजूद रहे।
यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर।